मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। 16 साल की नाबालिग लड़की से 8 लोगों ने 15 घंटे तक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। मामला महाराष्ट्र के पालघर जिले का है, जहां एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार 16 दिसंबर और शनिवार 17 दिसंबर की रात के बीच 8 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पालघर पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नाबालिग लड़की ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि आरोपी पहले उसे माहिम समुद्र किनारे एक सुनसान इलाके में लेके गए, जहां एक खाली बंगले में उसके साथ बारी बारी से आरोपियों ने बलात्कार किया। गैंग रेप के बाद आरोपी नाबालिग लड़की को समुद्र किनारे छोड़कर फरार हो गए। नाबालिग किसी तरह से वहां से पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सतपति थाने में मामला दर्ज किया और कार्रवाई भी शुरू की गई। रविवार 18 दिसंबर को पालघर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ धारा 376D, 341, 323, 366A, 342 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अभी इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।